नमस्कार, आप सभी को प्रणाम। हम लोग पद्मासन करेंगे। पद्मासन में इस पैर को हम लोग ऐसे जैसे बैठते हैं, ये सुखासन बोला जाता है। पद्मासन में इस पैर को हम लोग यहाँ पे ऐसे उठाएंगे और फिर इस पैर को यहाँ पे उठा के रखेंगे, यानी दाहिने पैर को बाएं पैर की जंघे पर और बाएं पैर को दाहिने पैर के जंघे पर रखेंगे। और रीढ़ की हड्डी तनी हुई हो और हमारा हाथ ये ठेवने पे हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे पद्मासन। इस पद्मासन करने से क्या लाभ होता है? हमारा जो शारीरिक स्थिरता जो है वो बना रहता है, मन शांत रहता है और हमारी जठराग्नि तेज हो जाती है। जठराग्नि तेज होने से हमें भूख लगता है और अपच की जो बीमारी है वो दूर होती है इस पद्मासन में बैठने से। इस पद्मासन में बैठकर हम लोग कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। और इस पद्मासन में जो है जठराग्नि जब तेज हो जाती है तो हमारा भोजन का जो पाचन क्रिया है वो भी मजबूती से होता रहता है, रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है। सिद्धासन में क्या कैसे करते हैं, ये हमारा जो पैर है इस पैर को हम लोग, ये हमारा मूलाधार चक्र है, यानी मूलाधार चक्र के नीचे में इस एड़ी को हम लोग लगाते हैं ऐसे यहाँ पर, और ये दूसरी एड़ी यहाँ पर आती है। इस एड़ी इस भाग को हम लोग ऐसे इसमें दाब लेते हैं और यहाँ पे इस पैर को रखते हैं जो हमारा जननेन्द्रिय है, गुदा और जननेन्द्रिय के बीच में यहाँ पर दबाव दिया जाता है। इससे लाभ क्या होता है? सिद्धासन करने से हमारी प्राण ऊर्जा का उद्गमन होता है, मतलब हमारी प्राण ऊर्जा जो है बढ़ती है और हम प्राणवान होते हैं। दूसरा लाभ है ब्रह्मचर्य पालन में हमारा हमें सहयोग मिलता है, हम इस आसन में ब्रह्मचर्य का पालन आसानी से कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य पालन में हमारी मदद करता है ये आसन। तीसरा लाभ है जो है हमारा रक्तचाप जो है संतुलित हो जाता है। हमारे रक्तचाप संतुलित करने में भी इस आसन का अहम योगदान है। तीसरा आसन है वज्रासन। वज्रासन कैसे करते हैं? अपने दोनों ये जो है ये इसको पीछे लगाते हैं ऐसे, हमारी एड़ी देखिए पीछे से इसको ऐसे करते हैं, ये दोनों एड़ी जो है ऐसे इस एड़ी को यहाँ पर रखते हैं और हमारा हाथ सिद्ध रहता है, सिद्ध में रहता है बराबर में ऐसे। फिर हम इधर से भी करके दिखा देते हैं, ऐसे रहता है, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, एकदम सिद्ध में हो और हाथ हमारा सामने घुटने पर ऐसे। इसमें इससे क्या क्या लाभ है इस बारे में बताया गया है कि हमारी जो पाचन क्रिया है वो मजबूत होती है, हर्निया किसी को हो जाते हैं तो हर्निया भी जो है इस आसन को करने से ठीक हो जाता है, बवासीर हो गया हो किसी व्यक्ति को तो इस वज्रासन में अगर बैठे तो उनकी बवासीर जो है धीरे धीरे कम होगा, बवासीर। और उसके बाद हाइड्रोसिल, किन्हीं किन्हीं का हाइड्रोसिल बढ़ जाता है तो ये हाइड्रोसिल को कम करने में भी ये आसन सहायक है वज्रासन। उसके अलावा साइटिका किन्हीं को हो गया है तो वो करें तो उनको भी लाभ मिलेगा। मासिक स्राव की गड़बड़ी, जो महिलाएं होती है, जो माता बहने होती हैं, उनकी मासिक स्राव की गड़बड़ी हो जाती है, वो इस आसन में बैठे तो उन्हें भी लाभ मिलेगा। मेरुदंड ठीक हो जाता है, मेरुदंड अगर पीछे की हड्डी जो है अगर किन्हीं को टेढ़ा हो गया हो तो इस आसन में वो बैठे तो उनकी हड्डी जो है वो सीधी होने लगेगी। सुषुम्ना सक्रिय हो जाता है, सुषुम्ना नाड़ी होता है हमारे रीढ़ की हड्डी में, तीन इंगला पिंगला और सुषुम्ना, ये तीन नाड़ियां होती हैं तो इन नाड़ियों में जो है सुषुम्ना नाड़ी जो है सक्रिय हो जाता है। तो ये सारे लाभ हैं वज्रासन करने से। अब आते हैं सुखासन। सुखासन में जैसे कि हम लोग आमतौर पर इस आसन में हम लोग बैठे रहते हैं ऐसे, इस आसन में ऐसे बैठे रहते हैं, इसको सुखासन बोला जाता है। फिर से देखिए इस आसन को, जैसे हम लोग मतलब जिस आसन को हम
सुख पूर्वक जो है कर सकते हैं। जिस आसन में हम लोग आराम से बैठते हैं, हम लोग अधिकतर इसी आसन में बैठते हैं, सुखासन में। तो इस सुखासन जो है हम लोगों के लिए नॉर्मल है, ऐसे ऐसे बैठ गए तो हम लोग अधिकतर जो है सुखासन में ही बैठते हैं, ये सुखासन में ही बैठते हैं। तो सुखासन में तो आप सभी जानते ही हैं, ये जो दाहिना पैर की जो एड़ी है इसको हम लोग नीचे लगाते हैं और बाएं पैर को एड़ी को यहाँ पर रखते हैं आराम से, जैसे हम लोग हमेशा बैठते हैं ऐसे इस पे एड़ी के ऐसे करके भी बैठ सकते हैं। तो इसको सुखासन बोला जाता है। तो अब समझ गए होंगे सुखासन से लाभ क्या होता है, कि आराम आरामदायक आसन है ये हम लोग ज्यादातर इसी आसन में बैठते हैं, सुखासन इसी को बोलते हैं सुखासन। और ऐसा आसन जिसको करने में हम लोगों को किसी भी प्रकार की जो परेशानी नहीं होती है, हम लोग आराम से जो है इस आसन में बैठते हैं, तो इसी को बोलते हैं सुखासन। इससे आरामदायक आसन है ये, शारीरिक और मानसिक संतुलन को जो है बनाने में ये आसन बहुत कारगर सिद्ध होता है। शारीरिक और मानसिक संतुलन जो है इस आसन को करने से हमारा बनता है। इसके बाद आता है भद्रासन। भद्रासन में क्या होता है कि जैसे हम लोग वज्रासन में बैठते हैं, वज्रासन में ऐसे हम लोग वज्रासन में बैठ गए। अब इस वज्रासन को हम लोग भद्रासन में बदलने के लिए क्या करेंगे, इस पैर को जितना ज्यादा हो सके इसको हम लोग फैलाएंगे। ये हमारा वज्रासन हो गया, ऐसे हम लोग पहले भी बैठे थे। अब इस पैर को जो है हम लोग जितना फैला सकते हैं ये है भद्रासन। भद्रासन में भी एड़ी जो होता है वो एकदम सिद्ध में रहता है, सिद्ध एड़ी, जैसे देखिए ये एड़ी लगा हुआ है, और इसके अलावा जो है हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, ये भद्रासन है। भद्रासन से क्या लाभ है, तो मूलाधार चक्र जागृत होता है। वज्रासन से जो लाभ मिलते हैं वो सारे लाभ इस भद्रासन से भी मिलते हैं। अब आते हैं वीरासन में। वीरासन कैसे करते हैं, तो इसी आसन जैसे ये वज्रासन हो गया, अब इस वज्रासन को, वज्रासन में हम लोग ये दाहिने पैर की एड़ी को हम लोग ऐसे उठाएंगे और इसको यहाँ रखेंगे। उसके बाद ये हमारा जो हाथ होगा ये ऐसे आएगा, इसको बोलते हैं वीरासन। एक बार पीछे से कर लेते या दूसरे पैर से भी कर सकते हैं इसको, ऐसे ही वज्रासन में आ गए। और वज्रासन के बाद ये जो हमारा पैर है ये यहाँ पे आएगा, और ये हाथ यहाँ पर और ये हाथ यहाँ पर। वीरासन करने से लाभ क्या है, इसमें एकाग्रता की वृद्धि होती है, हमारा जो मन मस्तिष्क जो है वो एकाग्र होता है, और हमारे गुर्दे जो है या कृत है, जननेंद्रिय जनन अंग है एवं आमाशय के लिए ये जो है ना ये उत्तम आसन है। दूसरे पैर से भी करें तो ऐसे। अब एक और आसन है जिसका नाम है ध्यान वीरासन। ध्यान वीरासन कैसे करते हैं, तो देखिए ये हमारा पैर हो गया, इस पैर को इस पैर के ऊपर रखेंगे ऐसे, दाहिने पैर को दाहिने पैर की एड़ी पर ऐसे वीरासन, इसी को बोलते हैं वीरासन। अब ये जो आसन है इसको हम लोग दूसरे पैर से भी कर सकते हैं, जैसे वज्रासन में हम लोग बैठे थे ना ऐसे, तो वज्रासन में बैठे थे तो अब इस पैर से हम लोग करें ऐसे, ये हो गया वीरासन। इस वीरासन को करने से क्या लाभ है, तो इससे क्या होता है कि हमारी श्रोणीय और सुनने की शक्ति, मतलब सुनने की जो शक्ति है वो जो है ज्यादा एकाग्र होती है, और उसके अलावा जो है हमारी प्रजनन अंग में जो है पुष्टि मिलती है। सेक्स की समस्या से समाधान इस आसन को करने से मिलता है, तो ये लाभ है। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर हमसे कोई त्रुटि बन पड़ी हो तो मैं उसके लिए हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ, कि मुझे बहुत कुछ नहीं आता है।